एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज इनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। टॉरस, वृषभ राशि, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ कप्स। बहुत मैं यहाँ पे कहूँ इमोशनल हो आप लोग, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग बहुत इमोशनल होंगे। आपके दिल में ना सबके लिए बहुत प्यार होगा, बहुत आप केयरिंग होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की परवाह करना, अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा ना आप लोग दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम देख के दुखी हो जाते होंगे। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नजर आ रहा है, आपके दिल में बहुत प्यार होगा, खास करके जो आपके पार्टनर होंगे उनके लिए। उनका इंतजार आई थिंक आप लोग कर रहे हो, उनका वेट कर रहे हो, उनसे कमिटमेंट का हो सकता है। जस्ट यहाँ पे वेट नजर आ रहा है आपका प्यार। मैं बताऊँ यहाँ पे जितना भी आप प्यार करते हो, जितना भी आपके दिल में प्यार है, जो भी है, वो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो प्यार है ना, जस्ट ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी वीकनेस बन गया है, वो प्यार आपकी वीकनेस बन गया है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो प्यार हैं, आपके रिश्ते हैं, वो आपकी वीकनेस बन गए हैं। वैसे आप लोग बहुत स्ट्रांग होंगे, मैं कहूँ आपके पास सब कुछ होगा। जैसे कोई चाहता है कि मेरे पास ये चीज़ हो, मेरे पास ये चीज़ हो, जस्ट आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चलती होंगी ना, वो मुझे लगता है रिश्तों में चलती होंगी। हाँ, और देखती हूँ आप लोगों के लिए टॉरस, वृषभ राशि, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, वेट कर रहे हो किसी चीज का, आई थिंक किसी के आने का, किसी से बात होने का, किसी के कॉल मैसेज का, कि कैसे कब मुझे वो एफर्ट्स मिलेंगे, कब मुझे वो मिलेंगे। आपने बहुत किया होगा, बहुत सारे अपने एफर्ट्स लगाए होंगे, बट उतना मैं देख रही हूँ कि आपको नहीं मिला होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है और इसी की वजह से जस्ट ऐसे जैसे कि ऐसा हो गया सिचुएशन की कुछ कर भी नहीं सकते और रहा भी नहीं जा रहा कुछ करे बिना, मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। ये वीक भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में है। मैं देखती हूँ आपके लिए और कार्ड्स, फिर आपको एडवाइस भी दूंगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैं एक और कार्ड निकाल देती हूँ। ठीक है, द टावर, ओके ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊँ, आपको अपनी फैमिली पे इस वीक ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, द लवर्स है, तो मैंने पहले ही कहा आप किसी से बहुत प्यार करते हो, किसी के लिए बहुत फीलिंग्स हैं आपके दिल में, और हो सकता है कि आप जस्ट ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि फैमिली की सुने या फिर वो जो पर्सन है उनकी सुने। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको कहा जाए कि किसी एक चीज को चूज कर लो, किसी एक चीज के साथ आगे बढ़ जाओ, और इसी वजह से आप परेशान चल रहे हो, इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि क्या चूज करें क्या नहीं करें। हो सकता है कोई डिसीजन आपको लेना हो, क्योंकि यदि टावर का कार्ड है तो ये बता रहा है कुछ ना कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। और आपको आपकी फैमिली पे इस टाइम पे मैं कहूँगी कि ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा नहीं करें कि आपकी फैमिली बिखरे, आपकी फैमिली टूटे, और जैसे कि आप ही हो जिसने आपकी फैमिली को मैं कहूँ जैसे एकजुट कर रखा है, एक साथ बांध रखा है। सो अकेले होने में मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई अच्छी बात है, साथ रहने में ही यहाँ पे भलाई है, क्योंकि यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद है दी टावर का कार्ड, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जस्ट आप लोगों के बीच में मैं कहूँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो उनसे आपको मैं कहूँ दूर रहना है, उनसे दूरी बना लेनी है। और आप लोग आपकी फैमिली को लेके मुझे दिख ही रहा है बहुत परेशान हो, अगर आप लोग मैरिड हो आपके बच्चों को लेके बहुत परेशान मुझे लग रहे हो, आपके शादी को लेके मुझे आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दी टावर की एनर्जी है, यानी कि थर्ड पार्टी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, दूसरे लोगों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। सो जस्ट थोड़ा केयरफुल रहने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी। हाँ, और मैं देखती हूँ इस डेक से आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। टॉरस, वृषभ राशि, द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप को लिमिट नहीं करो, और
अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलो। आप खुद को ना ऐसे नहीं सोचो कि मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं। सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है, आप बाहर निकल सकते हो इन सारी चीजों से। जस्ट आपको सबसे पहले अपने मन में ठानना पड़ेगा कि आपको निकलना है, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बाय लक अपने आप सब कुछ ठीक नहीं होगा, एफर्ट्स आपको दिखाने होंगे। देन वी हैव येन एंड यांग, तो ये कह रहा है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर इनमें आप ही परेशान हो जाओगे, आप ही रोने लगोगे, तो ना और लोगों को कौन संभालेगा आपकी लाइफ में। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा नीड है। खुद को खुश भी रखना है, स्ट्रांग भी बने रहना है, और सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है। और एक से देख लेती हूँ, टॉरस वृषभ राशि। बिग हैप्पी चेंजेस, तो ये सिचुएशन चली जाएगी, ये जो भी सिचुएशन है आप इसके सॉल्यूशन ढूंढ लोगे और एक हैप्पी चेंज आएगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ यहाँ से मुझे लग रहा है बिल्कुल चेंज होने वाली है, एक कम्प्लीटली टर्न लेने वाली है। सो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कहूँ यहाँ पे होंगी। देन वी हैव लेट गो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है ना, तो ये है जस्ट कि इमोशनल बहुत है, मैं कहूँ ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंसिटिव होना। सो यहाँ पे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कि आपसे किसी ने कुछ कह दिया, तो आप उसी चीज़ को 24 घंटे सोचते रहते होंगे और परेशान होते रहते होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अभी और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सोचने में, ओवर थिंकिंग में अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करें, ठीक है। आपके दिल में बहुत प्यार है, तो उस प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।